हारते हारते बचे, किस टीम से? बांग्लादेश से। आने वाली सीरीज में मुकाबला किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश से हारते हारते बचे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से कैसे जीतेंगे? जिस ऊहापोह में आखिरी वक्त तक भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला चला, वह भारतीय टीम पर सवाल खड़ा करता है। मैच के तीसरे और चौथे दिन जिस तरह से हालात बदले, आप इसे रोमांचक मुकाबला तो कह सकते हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि ये टीम को प्लेइंग 11 पर सोचने की जरूरत है। भला हो श्रेयस अय्यर और आर अश्विन की साझेदारी, जिसने टेस्ट में भारत की बांग्लादेश के हाथों पहली हार से उसे बचा लिया। मीरपुर में 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 74 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। अश्विन और श्रेयस ने टीम को जीत तक पहुंचाया। दोनों ने भारत के लिए 8वें विकेट के लिए 71 रन की अटूट साझेदारी निभाई, जिससे टीम जीत तक पहुंची। इसके पहले केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे बड़े बड़े नाम सस्ते में घुटने टेक वापस लौट चुके थे। ऐसे में इन दोनों ने नाक कटने से बचाया। भारत ये मैच हार जाता तो कोच राहुल द्रविड़ पर बड़ा कलंक लग जाता, क्योंकि अब तक कोई भी भारतीय कप्तान और कोच अब तक बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं हारा था। टेस्ट सीरीज की बात करें तो आर अश्विन ने विराट कोहली और केएल राहुल ने मिलकर जितने रन नहीं बनाए, उतने रन तो उन्होंने अकेले बना दिए। अश्विन ने 3 पारियों में 56 रन की औसत से 112 रन बनाए। कोहली 4 पारियों में सिर्फ 45, जबकि कप्तान राहुल 4 पारियों में 57 रन ही बना सके। चेतेश्वर पुजारा और सुमन गिल ने पहले टेस्ट में शतक जड़ा था। पुजारा ने सबसे अधिक 222 रन बनाए, वहीं अय्यर ने 2 अर्धशतक के सहारे 202 रन बनाए। गिल ने 157 और ऋषभ पंत ने 148 रन बनाए। पुजारा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज की बात करें तो पहले दोनों मैच में टीम इंडिया को हार मिली और उसने सीरीज भी गंवा दी। कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। केएल राहुल तो 3 मैच में सिर्फ 95 रन ही बना सके। अंतिम मैच में ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाकर लाज बचाई। कोहली ने भी इस मुकाबले में शतक ठोका था, सिर्फ 2 ही गेंदबाज 6 विकेट के आंकड़े तक पहुंच सके। इसमें ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। अब तक भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ कुल मीरपुर टेस्ट से पहले 12 मुकाबले खेले थे। दोनों देशों के टेस्ट इतिहास की बात करें तो हर बार भारत ही हावी रहा। बांग्लादेश की टीम को पिछले 12 मुकाबलों में कभी भी जीत का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला। साल 2000 से लेकर 2022 बांग्लादेश में भारतीय टीम ने 9 टेस्ट मैच खेले थे। 7 में टीम इंडिया को जीत मिली थी, जबकि 2 मुकाबले बांग्लादेश की टीम ड्रा करने में कामयाब हुई थी।